नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरजी स्मार्ट क्लास में। आज हम सुपरटेट एग्जाम के लिए एनसीईआरटी की इंडियन ज्योग्राफी की क्लास 8 के बुक के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन पर डिस्कस करेंगे। अगर आप इस सीरीज के पहले के वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप सुपरटेट की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं संसाधन के बारे में। तो संसाधन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक संसाधन जबकि दूसरा होता है मानव निर्मित संसाधन। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्राकृतिक संसाधन के बारे में। तो नदियों एवं झीलों का जल, मृदा एवं खनिज पदार्थ, ये सभी जो हैं ये प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। और प्राकृतिक संसाधन जो हैं ये कई प्रकार के होते हैं, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे इनको जो है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वास्तविक संसाधन की। तो वास्तविक संसाधन जिस रूप में मिलते हैं उसी रूप में उनका उपयोग किया जाता है, जैसे काली मृदा, कोयला, खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस, ये सभी जो हैं ये प्राकृतिक संसाधन हैं। संभाव्य संसाधन जिनके उपयोग की बहुत संभावना है लेकिन पूरी तरीके से इनका जो उपयोग है वो अभी नहीं किया जा सका है, जैसे कि यूरेनियम। नवीकरणीय संसाधन जिनका निर्माण जो है वो लगातार होता रहता है, जैसे सौर ऊर्जा एवं पवन ऊर्जा, ठीक है। इनका जो है ये असीमित संसाधन भी कहलाते हैं जो लगातार क्रिएट होते रहते हैं। और नवीकरणीय संसाधन जिनका जो है ये ऐसे संसाधन है जो सीमित मात्रा में ही उपलब्ध हैं, जैसे कि कोयला एवं प्राकृतिक गैस। सर्वव्यापक संसाधन ऐसा संसाधन जो हर जगह जो है उपलब्ध है, जैसे कि वायु। और स्थानिक संसाधन ऐसे संसाधन जो किसी स्थान विशेष में ही उपलब्ध हैं, जैसे कि लोहा एवं तांबा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनके बारे में। तो महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उनमें संसाधनों का सतर्कता पूर्वक प्रयोग करना जो है वो संसाधन संरक्षण कहलाता है। और संसाधन का उपयोग करने की आवश्यकता एवं भविष्य के लिए संरक्षण में संतुलन बनाए रखना सतत पोषणीय विकास कहलाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो इसमें दिए हुए हैं, इनको भी आप याद रखेंगे, ये जो है पूछा जा सकता है एग्जाम में। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मृदा के बारे में। तो जैसा कि पता है कि जो मृदा पर स्थित दानेदार कण हैं उनके आवरण की पतली परत को ही मृदा कहते हैं। अब अगर कभी पूछ लिया जाए कि मृदा क्या होता है तो आपको पता है कि मृदा पर जो है धरती पर स्थित, ठीक है, यहाँ पे हम लोग धरातल कहेंगे या फिर भूप्रपटी कहेंगे, यानी कि जो पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, तो भूप्रपटी पर स्थित दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। अब मृदा का निर्माण जो है वो किस प्रकार से होता है, तो मृदा का निर्माण होता है खनिज एवं जैव पदार्थ से। और भारत में 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो उनमें से 4 प्रमुख जो मृदाएँ हैं उन पर हम लोग डिस्कस करेंगे। याद रखेंगे भारत में कुल जो है वो 8 प्रकार की मृदा पाई जाती है, जिनमें से 4 महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहले है जलोढ़ मृदा। तो जो जलोढ़ मृदा है ये वो मृदा है जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई है। उत्तर का जो विशाल मैदान है उसका निर्माण जो है वो जलोढ़ मिट्टी के द्वारा ही हुआ है। तो जलोढ़ जो मृदा है ये गेहूं एवं धान की कृषि के लिए सबसे उपयोगी होती है। अगली जो मृदा है वो है काली मृदा। तो जो काली मृदा है ये कपास की कृषि के लिए सबसे उपयोगी होती है। और लाल मृदा जो है ये उपयोगी होती है मोटे अनाज के लिए, जबकि जो लैटराइट मृदा है ये उपयोगी होती है चाय की कृषि के लिए। तो ये भारत में पाए जाने वाली 4 प्रमुख प्रकार की जो मृदाएं हैं वो हैं। ये पूछा जा सकता है कि कौन सी जो मृदा है वो किस फसल के लिए उपयोगी है, तो आप याद रखेंगे जलोढ़ मृदा गेहूँ और धान, काली मृदा कपास, लाल मृदा मोटा अनाज और लैटराइट मृदा चाय। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं खनिज एवं शक्ति संसाधन के बारे में। तो खनिज किसे कहा जाता है, तो प्राकृतिक रूप से प्राप्त होने वाले वे पदार्थ जिनका निश्चित रासायनिक संगठन हो उन्हें ही खनिज कहा जाता है। शैल किसे कहा जाता है, तो खनिज अवयवों के अनिश्चित संगठन को शैल कहा जाता है। याद रखेंगे ये एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इसलिए क्योंकि एनसीईआरटी के बुक में दिए हुए हैं। तो अब खनिज किसे कहते हैं, शैल किसे कहते हैं, तो इनको आप जरूर याद रखिएगा। अगला जो है पॉइंट है अयस्क। अयस्क किसे कहते हैं, तो अयस्क के लिए जान लीजिए कि ऐसे शैल जिनसे खनिज प्राप्त होते हैं उसे अयस्क कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि ऐसे शैल जिनसे खनिज प्राप्त होते हैं उसे ही अयस्क कहा जाता है। अब खनिजों का प्रकार, खनिज जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तो खनिज होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है धात्विक खनिज जबकि एक होता है अधात्विक खनिज। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे धात्विक खनिज के बारे में। तो धात्विक जो खनिज हैं, अब इसके भी 2 कैटेगरी हैं, इनको भी 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक होता है लौह धात्विक खनिज और एक होता है अलौह धात्विक खनिज। सबसे पहले लौह धात्विक खनिज। तो लौह धात्विक जो खनिज हैं, जैसे कि नाम से ही लग रहा है कि जिसमें लोहा जो है वो पाया जाए, जिसमें लोहे की मात्रा हो, तो जैसे कि लौह अयस्क है, मैग्नीज है एवं क्रोमाइट है, तो इनमें सब में लोहे का कुछ जो पार्ट है वो पाया जाता है, इसलिए इन्हें लौह धात्विक खनिज कहा जाता है।
और अलोह धात्विक खनिज ऐसे खनिज होते हैं जिनमें लोहे का जो कुछ पार्ट है वो नहीं पाया जाता, जैसे कि तांबा एवं सीसा। ज़्यादा एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे डिस्कस नहीं इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये वो एग्जाम्पल हैं जो आपकी बुक में दिए गए हैं। और ये जो भी हम लोग इस सीरीज़ को चला रहे हैं, इस सीरीज़ जो है ये पूरी तरीके से एनसीईआरटी पे ही बेस्ड है, इसलिए हम लोग यहाँ पे उन्हीं पॉइंट्स पर डिस्कस करेंगे जो एनसीईआरटी की बुक्स में दिए गए हैं। इसके बाद हम लोग जो इंडियन ज्योग्राफी है, उसके अलावा जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है, उसको हम लोग काफ़ी डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अब हम लोग जो है खनिज का जो दूसरा रूप है उसको देखते हैं, जो कि है अधात्विक खनिज। तो अधात्विक खनिज उन खनिज को कहते हैं जिनमें कोई भी जो धातु है वो ना पाई जाए, तो जैसे कि चूना, पत्थर और अभ्रक, ये इसके उदाहरण हैं। अगला जो पॉइंट है वो है कि भारत में प्रमुख खनिज उत्पादक राज्य, इनमें से एक क्वेश्चन एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। तो जो प्रमुख खनिज हैं उनका उत्पादन सबसे अधिक जो है वो किस राज्य में होता है, तो हम लोग दो राज्यों को डिस्कस करेंगे, जो एक जो नंबर वन पर है और एक जो नंबर सेकेंड पर है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोहे से। तो सबसे ज़्यादा जो लोहा है वो पाया जाता है झारखंड, उसके बाद उड़ीसा में। सबसे ज़्यादा बॉक्साइट कहाँ पाया जाता है, तो बॉक्साइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है झारखंड में एवं उसके बाद में पाया जाता है उड़ीसा में। अभ्रक जो है वो सबसे अधिक पाया जाता है झारखंड में, उसके बाद में बिहार है। और तांबे के उत्पादन में जो प्रथम राज्य है वो है राजस्थान और उसके बाद में मध्य प्रदेश। मैग्नीज सर्वाधिक पाया जाता है महाराष्ट्र में और उसके बाद में पाया जाता है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट जो है वो है ऊर्जा के स्रोत। अब ऊर्जा के जो स्रोत हैं, तो ऊर्जा के दो स्रोत हैं, एक होता है परंपरागत स्रोत और एक होता है गैर परंपरागत स्रोत। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं परंपरागत स्रोत के बारे में। तो ये वो स्रोत हैं जो हमें प्रकृति से जो है जिस रूप में प्राप्त होते हैं उसी रूप में हम उनका यूज़ करते हैं, और कुछ इसमें थोड़ा सा हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो जैसे कि ईंधन है, जीवाश्म ईंधन है एवं जल विद्युत है, तो ये सभी ऊर्जा के जो हैं ये परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। अब जो ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं जिनका उपयोग हम लोग जो है अभी कम मात्रा में कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम लोग इनका उपयोग जो है वो काफ़ी कर सकते हैं क्योंकि इनमें भी काफ़ी संभावनाएँ हैं। तो जैसे कि सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, परमाणु ऊर्जा एवं भूतापी ऊर्जा, तो ये ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। सबसे ज़्यादा यूज़ किसका हम लोग करते हैं परंपरागत जो स्रोत हैं उनका, जैसे कि ईंधन, जीवाश्म ईंधन एवं जल विद्युत, और जिनका यूज़ अभी हम लोग ज़्यादा नहीं कर रहे हैं लेकिन इनका यूज़ करने के लिए काफ़ी अधिक संभावनाएँ हैं, तो वो हैं सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे प्रमुख फसलों के बारे में। तो इसमें हम लोग जो है देश के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस फसल के उत्पादन में कौन सा देश जो है वो पहले स्थान पर है। शुरुआत करेंगे गेहूं से। तो गेहूं के उत्पादन में जो चीन है वो विश्व में पहले स्थान पर है और दूसरे नंबर पे आता है भारत। याद रखेंगे गेहूं के उत्पादन में चीन जो है वो पहले नंबर पे है और दूसरे स्थान पर भारत है। चावल के उत्पादन में भी चीन जो है विश्व में पहले स्थान पर है और इसमें भी जो भारत है वो दूसरे स्थान पर है। मिलेट के उत्पादन में नाइजीरिया प्रथम स्थान पर है। मक्का एवं सोयाबीन के उत्पादन में संयुक्त राज्य अमेरिका पहले स्थान पर है। कपास के उत्पादन में चीन पहले स्थान पर है, जबकि कॉफ़ी के उत्पादन में ब्राज़ील पहले स्थान पर है। अब आपको यहाँ पे ये बताना है कि चाय के उत्पादन में कौन सा देश पहले स्थान पर है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं भारत के उद्योगों के बारे में। तो जो लौह अयस्क उद्योग है तो ये किन राज्यों में ज़्यादा विकसित हुआ है, तो झारखंड एवं उड़ीसा में लौह अयस्क जो है ये उद्योग ज़्यादा विकसित है। मैग्नीज उड़ीसा एवं झारखंड, कोयला झारखंड एवं छत्तीसगढ़, तांबा मध्य प्रदेश एवं राजस्थान, अभ्रक राजस्थान एवं झारखंड, जस्ता राजस्थान एवं उड़ीसा। तो ये भारत के कुछ उद्योग हैं जो कि इन राज्यों में जो है ये ज़्यादा विकसित हुए हैं। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि देश का पहला जो लौह इस्पात कारखाना था उसकी स्थापना कब की गई, तो देश का जो पहला लौह इस्पात कारखाना था उसकी स्थापना 1874 में कुल्टी पश्चिम बंगाल में की गई थी। और देश का जो पहला बड़ा लौह इस्पात कारखाना था ये 1907 में जमशेद जी के द्वारा जो है बिहार में स्थापित किया गया था। ये उस समय बिहार था, और प्रेजेंट टाइम में ये जो कारखाना है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये भी आज का क्वेश्चन है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देश का जो पहला सूती वस्त्र का कारखाना था, सफल कारखाना, याद रखेंगे देश का पहला सूती वस्त्र का सफल कारखाना, यह 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया। इससे पहले एक कारखाना जो था वो फोर्ड ग्लस्टर में लगाया गया था लेकिन वो असफल रहा था। तो जो पहला सफल कारखाना था सूती वस्त्र का वो 1854 में मुंबई में स्थापित किया गया था, और मुंबई को सूती वस्त्रों की राजधानी भी कहा जाता है। तो फ्रेंड आज के जो है इस वीडियो में ये एनसीईआरटी की क्लास 8 की जो इंडियन जो ज्योग्राफी की बुक है उसके इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स है जो हम लोगों ने डिस्कस किए। अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
तो फ्रेंड अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक करें ताकि हम इस तरह के और वीडियोस बनाते रहें, और आप इस वीडियो को फेसबुक एवं व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में हमें जरूर बताएं। तो आज के लिए इतना ही, देखते रहिए आरजे स्मार्ट क्लास। धन्यवाद।